आज 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती है। जय हिंद दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं भोजन समाज की अपडेट। दोस्तों भोजन समाज के लिए जो सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है एनडीए के अंदर से। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि एनडीए के अंदर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। एनडीए के जो सहयोगी है शिवसेना और बीजेपी, इन दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। शिवसेना आए दिन मोदी सरकार के ऊपर हमला करते रहती है। दोस्तों अभी एक बात निकल कर आ रही है राफेल मुद्दे के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जेपीसी जांच की मांग की है। अब इसी बात को उठाते हुए शिवसेना ने बीजेपी के ऊपर हमला किया है। राफेल मुद्दे के ऊपर शिवसेना ने भी विपक्षी पार्टी द्वारा जेपीसी मांग का समर्थन किया है। शिवसेना के सांसद संजय रावत ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सरकार के ऊपर सवाल उठाना कोई गलत बात नहीं है, सरकार देश के लिए है और जनता के लिए है। संजय रावत जी ने आगे कहा कि सरकार किसी एक पार्टी की नहीं होती है। उन्होंने आगे कहा है कि हमारा एक मंत्री सरकार के अंदर है और हमारे मंत्री की क्या हिस्सेदारी है ये पूरा देश जानता है। और संजय रावत जी ने आगे कहा है कि राफेल का मुद्दा देश की सुरक्षा का मुद्दा है। अगर सरकार के मन में कोई डर नहीं है, अगर सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया है तो सरकार जेपीसी जांच से डर क्यों रही है। ये बातें कही थी संजय रावत जी ने, जो शिवसेना के सांसद है। दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से। आप लोगों को पता ही होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी योगी गवर्नमेंट के ऊपर और मोदी गवर्नमेंट के ऊपर हमला करते रहते हैं। दोस्तों बनारस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि बीजेपी चाहेगी तो वह गठबंधन से अलग हो जाएंगे। उनका कहना था कि अगर पिछड़ों के आरक्षण में बंटवारा हुआ तो वो गठबंधन का साथ छोड़ देंगे। अगर हमने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया तो हम यूपी के अंदर 80 की 80 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी जी, मायावती जी और अखिलेश यादव जी का जो संभावित गठबंधन है उसमें उनका जाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा है कि सुभाषपा की होने वाले महागठबंधन से ऐसी कोई बात अभी नहीं हो रही है। दोस्तों भोजन समाज के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि जो आरक्षित वर्ग है यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी, इनको जनरल कोटे में नौकरी नहीं दी जाएगी, इनको बस इनके कोटे में ही नौकरी दी जाएगी। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, एससी एसटी के लिए जितनी सीटें खाली है नौकरी के लिए सिर्फ उन्हीं सीटों पर एससी एसटी के उम्मीदवारों को नौकरी दी जाएगी, अन्यथा जनरल कैटेगरी में नौकरी नहीं दी जाएगी। मतलब कि अगर उसके मार्क्स और उसका इंटरव्यू और उसका सब कुछ अच्छा जनरल वाले से भी है, मान लो कि एससी का कट ऑफ 60 है, ओबीसी का 65 है और जनरल वाले का 70 है, अगर एससी एसटी और ओबीसी उम्मीदवार के 80 नंबर भी होंगे तब भी उसे उस कोटे में नौकरी नहीं मिलेगी। उसे नौकरी मिलेगी सिर्फ अपने ही कोटे में। अगर वो कोटा भर गया तो उस बंदे को भी नौकरी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अक्सर आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षित सीटों से ही आवेदन करते हैं, वो सीटें फुल हो जाने के बाद वो जनरल कोटे से आवेदन करते हैं। इसके लिए कभी आरक्षित वर्ग के लोग जनरल कोटे के उम्मीदवार से ज्यादा मार्क्स लाने की दलील देते हैं और कभी कोई अन्य वजह बताई जाती है, लेकिन यह प्रोसेस गलत है। दोस्तों मेरे ख्याल से तो सुप्रीम कोर्ट का यह बहुत खराब निर्णय है, क्योंकि आरक्षित वर्ग के लिए जो सीटें खाली है वो सिर्फ 49.5% है और पूरी 50% में नहीं है, और हमारा भोजन समाज 85% है और अभी आगे बढ़ रहा है पढ़ाई करने के लिए, और काफी ज्यादा लोग पढ़ाई करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। अगर इस तरीके से 15% वालों को पूरे 50% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, हाँ दोस्तों 15% वालों को पूरा 50% का रिजर्वेशन मिलता है इंडिया में, आप खुद ही देख लीजिए। एससी एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन सिर्फ 50% से भी कम है और जनरल कैटेगरी के लिए 50% से भी ज्यादा रिजर्वेशन है। अगर उस कोटे में एससी एसटी ओबीसी का भोजन समाज का कोई बंदा अप्लाई करता है, अगर उसके मार्क्स भी जनरल उम्मीदवार के मार्क्स से ज्यादा है तब भी उसे नौकरी नहीं दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि बहुजन समाज के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। आप लोग दोस्तों यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके का निर्णय दिया है। जो 50% से ज्यादा का कोटा है वो 15% वालों के लिए, और 50% के अंदर का कोटा वो बहुजन समाज के लिए, जो यहाँ का 85% मूल निवासी समाज है उसके लिए। ये दोस्तों बहुत गलत निर्णय है। आप लोग इस निर्णय के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली खबर जो निकल कर आ रही है वो आ रही है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को लेकर। आप लोगों को पता ही होगा कि चंद्रशेखर आजाद जी अभी महाराष्ट्र दौरे पर हैं और वह भीमा कोरेगांव पहुंच के रहे। उन्होंने कहा था कि मैं भीमा कोरेगांव पहुंच के रहूंगा। अब दोस्तों वो महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं
और बहुजन समाज को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुजन समाज को बाबा साहब का मिशन पहुंचा रहे हैं। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी धार्मिक स्थल नांदेड़ साहिब पहुंचे, जहां सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपना अंतिम समय बिताया था, वहां पर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद जी। और दोस्तों वहां की कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अभी दोस्तों भीम आर्मी के प्रमुख काफी ज्यादा दौरे करने वाले हैं महाराष्ट्र में। चलिए दोस्तों आज के बहुजन इतिहास की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज का बहुजन इतिहास है कि आज 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती है। माता सावित्रीबाई फुले के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। माता सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी और माता सावित्रीबाई फुले सही मायनों में शिक्षा की देवी थी। और उनके संघर्ष के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तब उन्होंने ज्योतिबा फुले के साथ और फातिमा शेख के साथ मिलकर एक महिलाओं के लिए स्कूल खोला था। दोस्तों जब माता सावित्रीबाई फुले स्कूल जाती थी, यानी कि जब महिलाओं को पढ़ाने जाती थी, तो वो 2 साड़ी लेकर जाती थी, क्योंकि जब वो रोड से जाती थी, वहां से गुजरती थी, तो लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे। आप समझ ही सकते होंगे कि उस समय के लोगों की मानसिक स्थिति कैसी होगी और भला बुरा कहते थे। वो 2 साड़ी लेकर इसलिए जाती थी क्योंकि उनकी 1 साड़ी गोबर से और गंदी चीजों से खराब हो जाती थी, फिर वो वहां पर जाके चेंज करके उन महिलाओं को शिक्षित करती थी। तो दोस्तों उस महान स्त्री, उस महान माता, उस शिक्षा की देवी का आज जयंती है 3 जनवरी को। और दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि आज माता सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान है महिला शिक्षा के पीछे, महिलाओं को जागरूक करने के पीछे और समाज को सुधारने के पीछे। दोस्तों ऐसी महिला को, ऐसी शिक्षा की देवी को मेरा सलाम है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें बिना कहीं पर मत जाइएगा, क्योंकि आपका 1 लाइक मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति बहुजन समाज की अपडेट पाना चाहता हो तो वो मेरी वीडियो के माध्यम से पा सकता है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।